से बड़ा कोई फुलझड़ी है। नहीं मैं तो फूल हूँ ना, ये फुलझड़ी है यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सारा, मतलब बहुत सारा। तो आज हम मौजूद हैं एक जबरदस्त सी शॉप पर, जहाँ पे मेरे साथ एक और भी शख्स मौजूद है जो है, ओ माय गॉड, इधर ये सेंटर कहाँ से आ गया? ओ इधर यूनुस है। ये है आपके मनपसंद मोहम्मद यूनुस खान। तो भाई आप सेंटर क्यों बने हुए थे आज? आज हम स्पेशली आए हैं क्रिसमस की शॉप पर। क्रिसमस की भी है यहाँ पर, यहाँ पे पटाखे भी हैं, यहाँ पे बर्थडे के भी आइटम्स हैं, हर डेकोरेशन पटाखे भी हैं। तो यहाँ पर हर तरीके की वेरिएशन है डेकोरेशन की। तो हम लोग आपको दिखाते हैं ओकेजनली। तो अभी रिसेंट जो हम लोगों को, जिसके बारे में हम बात करेंगे, स्पेशली क्रिसमस और न्यू ईयर, क्योंकि आ रहे कुछ है, बहुत कुछ है यार। तो दिखाते हैं आप लोगों को, तो चलिए हमारे साथ। जी देखें, अभी जो अपकमिंग इवेंट है क्रिसमस का हमारे क्रिश्चियन भाइयों का, उसके हवाले से हमारे पास घर की सजावट के हवाले से दीगर आइटम्स हैं जिनकी डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। हर एक टिकट साइज़ के हवाले से हमारे पास, हर एक बजट के हवाले से हमारे पास आइटम्स की अवेलेबिलिटी है, जिसके अंदर हमारे पास आप ये देख सकते हैं क्रिसमस के हवाले से हैंगिंग आइटम्स हैं। ये जो लोग क्रिसमस के मनाते हैं, जो लोग हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, उनको ये बहुत अच्छी डिलाइटफुल चीज़ें लगती हैं अपने घर की सजावट के हवाले से। इसी तरीके से क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं, क्रिसमस ट्रीज़ के साथ साथ आए मैं आपको अपनी वैरायटी विजिट करवाता हूँ, जिसके अंदर ये कलर्ड बॉल्स हैं, हैंगिंग बॉल्स की वैरायटी है एक दूसरे को विश करने के लिए, या पार्टी पॉपर्स की कुछ वैरायटी होती है। देखें ये डिफरेंट यहाँ पर रेंजेस है पार्टी पॉपर की, इसमें स्मॉल साइज़ भी होते हैं 150 वाले, और इसके अलावा जो है ये बिग साइज़ भी हैं, जम्बो फ्लो होते हैं इनके, हैवी फ्लो होते हैं, ये 250 का एक पीस है। इसी के अलावा लोकल के साथ साथ इंपोर्टेड के अंदर भी हम डील करते हैं, तो इसके अंदर मजीद कलरफुल हार्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास रिबन्स की भी वैरायटी है, जो कि पार्टी पॉपर्स की ही जिस तरीके से पन्नियाँ होती हैं, इसी तरीके से पॉपअप की वैरायटी है। कुछ ये वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है कलर्ड बॉल्स के हवाले से, जो हैंगिंग आइटम्स हैं घर की सजावट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर ये कलर्ड बॉल्स हैं, ये गिफ्ट पैक्स हैं, इस तरीके की कलर्ड शाइनी बॉल्स हैं, ये बेल्स की वैरायटी है, इसके अंदर सेंटा विद बेल्स है, रेड बेल है, ये सेंटा की वैरायटी है, जिसके अंदर सेंटा का एक आपको जो है वो डमी जो है ये आपको नज़र आती है, 300 का है, 200 का है। इसके अलावा ये डिफरेंट अलग अलग मास्क की वैरायटी है, ये कलर्ड बॉल्स की वैरायटी है, क्रिसमस बॉल्स कहलाती हैं, ये भी हैंगिंग आइटम्स की एक वैरायटी होती है। इसके अलावा ये प्राइस बताएंगे, ये अलग अलग होते हैं मैम, ये देखें ये 450 के भी हैं, ये 1000 रुपीज़ के भी हैं, 550 के भी हैं, अब जैसे जी जी जिस जैसा जिसकी अफोर्डेबिलिटी होती है उस टिकट साइज़ के हवाले से लोग आकर अपना जो है वो जो अपना इवेंट होता है उसको लोग संतोष करते हैं। कुछ वैरायटी हमारे पास जो है यहाँ पर बेल्स की भी हवाले से है, ये गोल्डन बेल्स हैं, ये भी एक हैंगिंग आइटम्स के अंदर ही वैरायटी होती है, इनकी भी डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, ये 800 रुपये से लेकर हमारे पास जो है वो 300 रुपये तक के मिनिमम साइज़ के अंदर भी अवेलेबल है। इसी तरीके से कुछ आपके हैंगिंग आइटम्स के अंदर ये बेल्स की वैरायटी है 350 की हवाले, ये जो है लो प्राइस की वैरायटी है। कुछ वैरायटी हमारे पास स्टार्स के हवाले से अवेलेबल है, डिफरेंट कलरफुल स्टार्स होते हैं, ये भी हैंगिंग आइटम्स के अंदर ही आ जाते हैं। हमने कोशिश हमारी ये है कि जितने भी हम जो है यहाँ पर हमारे पास आइटम्स अवेलेबल हैं उसकी एक बहुत ही लो कॉस्ट और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस हमने रखी हुई है, क्योंकि अभी इनिशियली इसी इवेंट पर इसी मरतबा हमने जो है ये इस अपने स्टोर को एक्टिव किया है। तो जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस के ऊपर है, और हर टिकट साइज़ के हवाले से अवेलेबल हैं, हर एज ग्रुप के, हर स्टेज ग्रुप के हवाले से हमारे पास आइटम्स की वैरायटी अवेलेबल है। इसी तरह देखें ये मेरे पास यहाँ पर इसी स्टोर पर ही अवेलेबल है कुछ कलर्ड लाइट्स की वैरायटी है, ये चिली लाइट्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स के अंदर अवेलेबल होती हैं, ये 300 रुपये की भी होती है, 400 रुपये की भी होती है, 600 रुपये की भी होती है। इसी तरीके से ये कुछ ये कलर जो है ये स्टार्स लाइट हैं,
इसके अंदर ये कलरफुल चिली लाइट्स हैं, ये 700 की होती हैं, डिफरेंट साइजेस के हवाले से डिफरेंट प्राइजेस होते हैं इसके। इसी तरीके से ये एक बड़ी लाइट है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ये 1700 की होती है। देखिए लाइट्स की क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है और लेंथ का भी डिफरेंस होता है। जो लो इसकी जो लो लेंथ होती है उसके हवाले से इसका ये लो टिकट साइज है, ठीक है ना। और जो ये 10 मीटर की इसकी रेंज जो है रेंज होती है, इसकी 10 मीटर की रेंज होती है जी हाँ, बड़ी वाली का। इसी तरीके से ये कुछ शाइनिंग गोल्डन स्टार्स हैं, इनका ये पैकेट है 600 रुपीज का होता है। इसके अंदर तकरीबन 20+ जो है ये स्टार्स होते हैं जो कि शाइनिंग करते हैं। इसी तरीके से कुछ वैरायटी हमारे पास जो है ये ट्रीज की होती है, जिसके अंदर हर इंसान की जो है वो अफोर्डेबिलिटी के हवाले से हमने यहाँ पर टिकट साइजेस जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। देखें ये बड़ा ट्री है, ये 2000 रुपये का होता है, ये उससे छोटा ट्री है ये 1000 रुपीज का है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है लो बजट वाले लोग भी आकर खरीदारी कर सकते हैं, और 400, 300 आप देख सकते हैं, 1000, ये हर टिकट साइज के अंदर हमारे पास जो है ये अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से ये कुछ हैंगिंग आइटम्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं जिनके डिफरेंट प्राइजेस हैं। ये रिबन्स के साथ होते हैं और ये जो है ये फ्लोर के लिए जो है ये डोर के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आइटम होता है। अच्छा ये बताइए ये क्या है? ये एक क्रिसमस का रिबन होता है, इसको जो है वो लोग अपने घर के दरवाजे के ऊपर भी लगाते हैं और वॉल्स के ऊपर भी लगाते हैं। ये भी एक डेकोरेटिव आइटम है। ये भी जी हाँ कंप्लीट कलेक्शन है, जरूर विजिट कीजिए हमारी शॉप ऊपर फायरवर्क्स एमएजिना रोड कैप्री सिनेमा के जस्ट अपोजिट नुमाइश चौरंगी के करीब अल आमना प्लाजा के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ऑफिस नंबर 7। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है या आप नहीं विजिट कर सकते हैं दूरी की वजह से, लोकेशन आपकी दूर की है, तो प्लीज़ हमारी शॉप पर आप कोई भी आइटम बुक करवाकर अपने पास ऑनलाइन डिलीवर भी करवा सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 03158557210। मैं मोहम्मद यहिया आपको यहाँ पर सर्विसेज देने के लिए मैं और मेरी टीम हर वक्त जो है वो हाजिर है, तो प्लीज विजिट कीजिए। सर क्रिसमस से हटके कुछ मेहंदी वगैरह के आइटम भी आपके पास? जी हाँ, हमारे पास जो है वो कस्टमर डिमांड के तहत हमारे पास नहीं होते थे ये आइटम्स, लेकिन अभी कस्टमर की नीड जो है हमारे तक आती है, तो कस्टमर की डिमांड को सामने रखते हुए कुछ आइटम्स हमने जो है वो मेहंदी और माइयों के इवेंट के हवाले से भी जो है वो अपने पास जो है वो अलाइन किए हैं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये एक मेहंदी की थाली है जिसके अंदर ये एक बहुत अच्छा आइटम है और बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल आइटम है। तो जिस टाइम के ऊपर मेहंदी की तकरीब होती है उस टाइम के ऊपर ये रसम के हवाले से जो है इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। ये 800 रुपीज़ की है, ये कंप्लीट सेट होता है। इसके अंदर जो है ये झालर वाली ये छतरी भी होती है, और इसी तरीके से जो है ये पूरा कंप्लीट सेट 800 रुपीज़ का होता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ डोल की वैरायटी भी मौजूद है, इसी तरीके से कुछ इसी तरह का डिफरेंट आइटम है। ये शेड के अंदर है, ये अम्ब्रेला के साथ है और इसका थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन है। इसी तरह से ये दूसरे आइटम्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास डांडिया की वैरायटी भी अवेलेबल है और आर्टिफिशियल फ्लावर्स की वैरायटी भी कमरे की सजावट के हवाले से अवेलेबल होती है। नाज़रीन सामीन, आइए मैं आपको विजिट करवाता हूँ हमारे पटाखे की तमाम तर वैरायटी के हवाले से, जहाँ पर तमाम आइटम्स की अवेलेबिलिटी है। हमारा सुपर फायरवर्क्स का फायरवर्क्स शोरूम। देखिए नाज़रीन, ये हमारे पास कुछ आइटम्स होते हैं जिनको लोग शादी ब्याह के अंदर अपनी दीगर तकरीबात के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तकरीबात की सजावट के हवाले से, चिरागे के हवाले से और आतिशबाजी के हवाले से, जिसके अंदर हमारे पास तमाम तरह आइटम्स हैं जो ज़मीनी आतिशबाजी और आसमानी आतिशबाजी के हवाले से अवेलेबल होते हैं। जिसके अंदर जैसे कि एक वेल नोन आइटम है जिसे हम अनार कहते हैं, ये इसका काम सिर्फ चिंगारियाँ देना होता है और ये मुख्तलिफ शावर्स बनाता है ये। इसी तरीके से कुछ आसमानी आतिशबाजी होती है जिसके अंदर हमारे पास ये फायर स्टिक्स अवेलेबल है, और ये हर एज ग्रुप के हवाले से, बच्चों के हवाले से और बड़ों के हवाले से तमाम तरह इनके अंदर जो है वो स्टार शॉट्स की वैरायटी होती हैं। ये कुछ क्रैकर्स की वैरायटी हैं, ये भी कुछ क्रैकर्स की वैरायटी हैं जिसके अंदर जो है ये ज़मीनी आइटम्स होते हैं जो ज़मीन पर क्रैकिंग करते हैं। इसी तरीके से ये एक वेल नोन आइटम है जिसको हम पटाखों वाली लड़ी भी कहा जाता है और कलाशन पट्टी भी कहा जाता है। हमारे हर एक रैक के ऊपर जो है हमारी डिफरेंट प्राइजेस जितने भी आइटम्स की हैं वो सबके सब मेंशन होती हैं। और इसी तरीके से मैं आता हूँ कुछ स्टिक्स की अपर क्लास वैरायटी के ऊपर जो प्रॉपर फायरवर्क्स करती हैं, जाकर मल्टी कलर के ब्लास्ट और फ्लावर करती हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाती हैं आसमान पर। इन स्टिक्स की वैरायटी के साथ साथ हमारे पास कुछ वैरायटी हमारे पास जो है ये जंबो स्टिक्स के हवाले से भी अवेलेबल होती है, जो कि जाकर बिग शॉट्स करती हैं और बड़े ब्लास्ट और बड़े फ्लावर करती हैं। इनकी हाइट भी ज़्यादा होती है, ये नॉर्मल आतिशबाजी से कुछ अपग्रेड आतिशबाजी है जिनको बड़े इवेंट्स के अंदर ऐड किया जाता है इवेंट्स की रौनक को बढ़ाने के लिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये कुछ हमारी स्काई शॉट्स की बॉक्सेस की वैरायटी है जो इजी टू यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हम खुद एंगेज नहीं होते। इनको साइड बाय साइड हमने सिर्फ 2 ब्लॉक्स प्लांट करने होते हैं और इस तरीके से इनका एक एक स्टार्टर होता है, सिर्फ हमने इसको जलाकर उसको चलाना होता है। ये 1x1 खुद ब खुद अपनी ऑन एंड ऑन वर्किंग करते रहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट हाइट्स हैं, डिफरेंट प्राइजेस हैं। ये नंबर ऑफ शॉट्स सब मेंशन है, 12 शॉट हैं, 9 शॉट हैं, 7 शॉट हैं, 25 शॉट्स हैं, 20 शॉट्स हैं, जंबो शॉट्स हैं। इसी तरीके की कुछ ही अपर क्लास हैवी है, हैवी फायरवर्क्स के अंदर ये कुछ वैरायटी है जहाँ पर हमारे पास जंबो शॉट्स भी अवेलेबल है। तो जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हर एज ग्रुप के हवाले से और हर तरह की अफोर्डेबिलिटी के हवाले से, हर बजट के हवाले से हमारे पास आइटम्स अवेलेबल होते हैं, तो प्लीज़ आइए ज़रूर विजिट कीजिए हमारी शॉप पर जो सुपर फायरवर्क्स है अल आमना प्लाजा के ऊपर कैफ्री सिनेमा के जस्ट अपोजिट।
देखें ये आप जितने भी आइटम्स देख रही हैं काउंटर्स के ऊपर, इन पे जो प्राइसेस मेंशन है ये तमाम तर हमारी जो है ये रिटेल प्राइसेस हैं। अगर कोई हमसे शॉप कीपिंग कर बल्क क्वांटिटी में हैवी परचेजिंग करना चाहता है और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है तो हमारे साथ मिलकर हमसे बल्क में भी परचेजिंग कर सकता है। उन खास कस्टमर्स के लिए या उन शॉप कीपर्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल रेट ऑफर होता है जिसके ऊपर हमसे जो है वो लोग बल्क क्वांटिटी के अंदर परचेजिंग करते हैं तो हम उनको जो है वो एक स्पेशल रेट ऑफर करते हैं। अच्छा याया भाई, ये कौन सी वैरायटी यहाँ पर रहती है? देखिए ये तमाम तर जो है वो आतिशबाजी है जो लोकल पैटर्न के ऊपर होती है और थोड़ी सी ओल्ड एज आतिशबाजी है। अब ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं जो बहुत इजी से जो है वो इजी टू यूज़ हैं, बहुत आसानी से चल जाते हैं, वरना इससे पहले ये लोकल आतिशबाजी हुआ करती थी। अब भी जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लो बजट वाले लोग जो है वो अभी इसको लेकर जाते हैं। इसके अंदर कलर कोटिंग होती है, ग्लास नहीं है, फ्लावर नहीं है, ठीक है ना। ये प्रॉपर जो है ये रॉकेट्स हमारे स्टाइल रॉकेट्स होते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट है, ये प्रॉपरली जो है वो ब्लास्ट विद फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी इवेंट्स के आइटम होते हैं जो कि छोटे इवेंट्स के, बड़े इवेंट्स के तमाम तरह आइटम्स हैं। इस तरीके से ये क्रैकिंग की वैरायटी है, ये खासतौर से छोटे बच्चों के हवाले से या न्यू ईयर के इंजॉयमेंट के हवाले से जो है ये आइटम्स होते हैं जिसके अंदर क्रैकिंग जो आप दिखा रहे हैं जी, कोई नुकसान के तो वो नहीं। देखिए हम यहाँ पर जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन भी फराहम करते हैं और इसी तरीके से हमारे पास जब यहाँ पर कोई भी अपना प्रोग्राम बुक करवाने के लिए आता है, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको भी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। अगरचे वो खुद भी चलाना चाहते हैं तो हम उनको सेफ्टी पर्पसेज भी बताते हैं और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ उनको चलाने का तरीका भी फराहम करते हैं। मतलब आप सर्विस अवेल, आप सर्विस फराहम करते हैं कि आप अपना बंदा प्रोवाइड करें? जी बिल्कुल। उसके चार्जेस देखिए, कुछ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डनफुल नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर सिंपल बता दें। देखिए डिफरेंट पैकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी डिफरेंट लेबर होती है। मिसाल के तौर पे अगर 1,00,000 रुपए का फायरवर्क कोई हमसे करवाता है तो 1,00,000 रुपए के हवाले से लेबर जो है वो अलग बनती है, 5,000-6,000-10,000, ठीक है ना। और छोटा कोई पैकेज होता है तो उसकी फिर लेबर अलग होती है, क्योंकि जब सामान की क्वांटिटी बढ़ जाती है, आइटम्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर लाजमी सी बात है हमें फिर अपने जो आइटम्स के स्टैंड हैं, जो औजार हैं, उनकी भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास सारे का सारा बच्चों के हवाले से आइटम्स अवेलेबल है, जो हर एज ग्रुप और हर डिफरेंट जो है एजेस के हवाले से जो है यहाँ पर अवेलेबल है। छोटे बच्चों के हवाले से हमारे पास ये आइटम्स होते हैं, पुलिंग क्रैकर है, ये धागा माचिस है, इसको खींच के पड़ते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए सिक्योर आइटम है। इसी तरीके से कुछ बड़े बच्चों के आइटम होते हैं जिनके अंदर ये क्रैकर्स की वैरायटी है। इसी तरीके से ये कुछ डिबरी वाले शावर होते हैं जिसके अंदर ये सिक्योर आइटम है, ये पीस अपनी जगह पर रहता है, इसके अंदर से एक शावर निकल कर ऊपर जाता है और ये जो है इसी तरीके से वर्कआउट करता है। ये सिक्योर आइटम है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आइटम है चाइना चकरी, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इसको हमने जो है वो यहाँ से इसको स्टार्टर को जो है वो बंद करना होता है और यहाँ से इसको हम जलाएंगे और ये घूमेगा खुद ब खुद, कलरफुल चिंगारियाँ देगा। ये कलर चेंजर है, इसी तरीके से कलर चेंजर ज़मीन के ऊपर जो है ये भी काम करता है, ये कलर चेंजर है, इसके हम चकरी कहते हैं, रंगीन चकरी। ये फ्लाई नहीं करती, ये सिर्फ रिवॉल्व करती है और अपने कलर को चेंज करती है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ये आइटम है बच्चों के, जिसके अंदर हमारे पास बल्ब पटाखे की भी रेंज है। बल्ब पटाखे के अलावा हमारे पास कुछ ये डबल साउंड भी मैच है, ये 2-3 दफ़ा आवाज़ें देता है फटने के बाद, ये वो बॉम है, ठीक है। ये भी बच्चों के लिए एक बड़ा डिलाइटफुल आइटम है। मतलब ये लाइट देता है कलर की? नहीं, ये लाइट नहीं देता, इसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया होती है, उसको हमने सिर्फ मसल कर फेंक देना है और ये थोड़ी देर के बाद गैस फिलअप होने के बाद जो है एक छोटा सा ब्लास्ट करता है और एक बड़ा डिलाइटफुल आइटम है। इसी तरीके से ये पुराने हमारे पास एक आइटम है, एक वेल नोन आइटम है, जिसे हम चाइना बॉम भी कहते हैं और नाटक बॉम भी कहते हैं। ये जलाकर फेंक दिया जाता है और थोड़ी देर तक ये फटता नहीं है, फिर अचानक ये फटता है तो एक छोटा सा नाटक करके फटता है, जिसकी वजह से इसको जो है वो नाटक बॉम्ब भी कहा जाता है। अलावा जो मैंने आपको बताया अपने पहले सेशन के अंदर, वहाँ पर हमारा फायरवर्क्स का जो आइटम सारे लगे हुए हैं, उसके अंदर जो कलाशन लड़ी है, जो पटाखों वाली लड़ी है, बेसिकली आप जो कह रहे हैं ये उसका काम है। ये जो है ना, ये देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं अपने पड़ोसियों के घर में ना मैंने जला जला के बहुत डाला। ये देखें फूल झड़ियाँ, फूल तो मैं हूँ, मतलब झड़ियाँ रखी है फूल मैं रही। तुमसे बड़ा कोई फूल झड़ी है? नहीं मैं तो फूल हूँ ना, ये फूल झड़ी है यार, ये मैं बच्चों के लिए ले ले। हाँ मंगवाई है बच्चों ने यार। अच्छा एक और चीज़ बड़े मजे की पता है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये तो हमारे रखे हुए ना फायरवर्क्स रखे हुए, यू नो मुझे ना आप इसके ऊपर आप बैठ जाए इस रॉकेट पे, इस रॉकेट पे बैठे मैं फिर पीछे से ना इसको जलाऊंगी, आप उड़ जाएंगे, आपको अमेरिका जाना ना वापस। तो आप कह रहे थे तो मैंने कहा फ्री फ्लाइट मिलेगी आपको, बैठे और मैं जलाऊंगी, नहीं फिर जलाऊंगी आप सीधे अमेरिका, ठीक है मजा आएगा। चले फूल झड़ी तो ले ले यार। यूनुस टेक द बास्केट और आजादी से शॉपिंग करें। फॉलो मी, चलो भाई इनको फॉलो करते हैं। यहाँ हमारे मकसद का नहीं है, शादी भी नहीं हो रही, बच्चों के लिए लेना है। हाँ तो फूल झड़ी मुझे ले ले, मतलब फूल को ले ले, फूल मेरी झड़ी भी ले ले, नहीं छोटी वाली भी है यूनुस, यह सब मौजूद है इनके पास। देखें ये भी है और इससे भी छोटी है, ये देखें, ये देखें, हाँ ये भी ले लें, दोनों ले लें। हाँ यार आगे बढ़े और बच्चों का एक एक नहीं तो उसके अंदर से निकाल के देंगे ना। हाँ अब आगे बढ़े, एक और चीज़ है
धुएं की तरह वो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, पिंक ब्लू ऑरेंज वाओ सही है ये हो गया जी। तो जनाब हमारी हो गई है ये शॉपिंग, तो शॉपिंग के बाद अब आता है व्लॉग को एंड करने का टाइम। पटाखे ले लिए, बहुत सारे ले लिए भाई इन्होंने, बहुत सारे ले लिए। अच्छा भाई अब हम ये सब आपको दिखाएंगे न्यू ईयर पर, इसका हम जब यूज करेंगे ना तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। ये भी है मैंने, मेरा फेवरेट है ये कलर्स का, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना व्लॉग करते हैं एंड, आप लोगों से चाहते हैं इजाजत अगले व्लॉग तक के लिए, और जिसको भी अपनी प्रमोशनल वीडियोस बनवानी है वो हमें डिस्क्रिप्शन में आके कांटेक्ट कर सकता है, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर्स मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, तो फिर अल्लाह हाफिज़।